जमीन मामले में ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया। समन मिलने के बावजूद आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। वहीं आज दिल्ली से देवघर हवाई अड्डा पहुंचे गोड्डा सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला किया है। दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिम्मत के साथ ईडी का सामना करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी गोधरा कांड में कई बार सीबीआई और ईडी के समक्ष भी पेश हुए थे। हेमंत सोरेन वीर सिबू सोरेन जी के बेटे हैं तो उन्हें ईडी से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। वहीं इरफान के दिए गए बयान गोड्डा लोकसभा इस चुनाव में गठबंधन की झोली में जाएगी उसको लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि वो इरफान को कभी सीरियस नहीं लेते हैं। जो मैंने कहा था कि एक दिन जो है पाप का घड़ा फूटता है, पाप का घड़ा फूट रहा है और मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित आदमी हैं, उनको तो ईडी का सामना करना चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि गोधरा कांड में माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनको जितनी बार सीबीआई ने बुलाया उतनी बार वो गए, जितनी बार ईडी ने बुलाया उतनी बार भी गए। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है ईडी और सीबीआई का सामना नहीं किया। तो यदि इनमें हिम्मत है और वीर सिबू के दिए बेटे हैं, इनको ईडी का सामना करना चाहिए। सर, इरफान का दावा, इरफान की बात को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।